नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पुलिस के हाथ सड़कों पर चेन लूटने वाले दो बदमाश लगे हैं। 7 दिन पहले हाई अलर्ट के बीच घर के बाहर बैठी वृद्ध महिला से झपट्टा मारकर चेन लूटने वाले बदमाश का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला था। इसके बाद पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि उसका एक साथी और था। पुलिस ने पहचान होते ही बुधवार को लुटेरे और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों नशे के आदी हैं और घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर उनके नशे का अड्डा है। वहीं वह अक्सर बैठा करते थे, आते जाते समय वृद्धा पर नजर रखते थे। नशे की लत पूरी करने के लिए ही उन्होंने यह वारदात की थी। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर शहर की अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र इलाके के खेड़ापति कॉलोनी में 16 सितंबर 2022 को शाम 7 बजे घर के बाहर बैठी 70 वर्षीय वृद्ध विद्या देवी तिवारी के गले पर झपट्टा मारकर चेन लूटने वाले फरार लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरे की निशानदेही पर पुलिस ने वृद्ध महिला की जानकारी देने वाले साथी लुटेरे को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों ने बताया कि वह आदतन नशे के आदी हैं और उसी लत को पूरा करने के लिए उन्होंने यह लूट की वारदात की थी। पूछताछ करने पर पकड़े गए लुटेरों ने अपना नाम राहुल गोद और करण जाटव निवासी महलगांव फुलबाग का रहने वाला बताया है। आपको बता दें कि वृद्ध महिला से लूट की वारदात कर भागते लुटेरे का एक सीसीटीवी सामने आया था। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किए तो लुटेरा महलगांव की तरफ भागता हुआ नजर आया था। उसी के आधार पर पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो लुटेरों की पहचान हुई थी। पुलिस ने पकड़े गए लुटेरों से बुजुर्ग से लूटी गई चेन और उनके द्वारा शहर में की गई अन्य लूटों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ करने पर लुटेरों से लूट के और कई खुलासे हो सकते हैं। थाना प्रभारी पड़ाव विवेक अष्ठान का कहना है कि बीते दिनों वृद्ध महिला से लूट करके लुटेरे और उसके एक अन्य साथी को पकड़ा है। पकड़े गए लुटेरे उसके साथी से वृद्ध महिला से लूटी गई चेन और उनके द्वारा शहर में की गई अन्य लूटों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने पर लुटेरों से कई और लूटों का खुलासा हो सकता है।